नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लाइफ केयर विथ गार्डनिंग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे मटके पे पेंट करना, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत लोग होते हैं कलर करते हैं पॉट पे, चाहे वो मटका हो या भी कोई भी पॉट हो, तो उस पर अच्छे से फिनिशिंग नहीं आती है या उसका कलर अट्रैक्टिव नहीं लगता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं पूरी जानकारी दूंगी आप किस तरह से कलर करेंगे, कौन सा कलर यूज करेंगे, तो आपके पॉट पे बहुत अच्छे से फिनिशिंग आएगी, कलर अच्छा लगेगा, धुंधला बिल्कुल भी नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये अच्छा कलर आया है और इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। उसके लिए लिया है मैंने ये मटका जो कि मेरे घर पे था, और इसमें मैं स्पाइडर का प्लांट लगाई थी कुछ दिन पहले ही। वैसे जहाँ तक आप कोशिश करें कि प्लांट लगाने से पहले ही पॉट में कलर करें, क्योंकि प्लांट लगाने के बाद अगर हम जब कलर करते हैं तो थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें मिट्टी भी भरी होती है, प्लांट भी होता है, तो थोड़ा दिक्कत होती है। और अगर खाली पॉट होता है तो आराम से पेंट हो जाता है, और प्लांट लगाने के बाद अगर हम पेंट कर रहे हैं तो थोड़ा प्लांट में लगने का डर है, तो प्लांट में हमारे पेंट ना लगने पाए, तो उसके लिए मैंने लिया है ये कोल्ड ड्रिंक का बोतल था जो कि इसका पॉट बनाई थी और ये निकला था, तो उसको मैंने रख दिया था ऐसे ही। तो इसमें हम किनारे किनारे से लगा देंगे, थोड़ा ऊपर रहेगा प्लांट ताकि इसमें पेंट ना लगने पाए और हमको दिक्कत ना हो पेंट करने में, और पत्तियाँ इस पर लटकी रहेंगी तब भी पेंट करने में दिक्कत होगी, उस पर लग जाया करेगा तो पेंट भी ख़राब होगा और पत्ती भी ख़राब होगी। और पेंट करने के लिए हमने लिया है ये बर्जर कंपनी का ऑयल पेंट वाइट कलर का। आप याद रखें कि कोई भी पॉट आपको कलर करना है, किसी भी पॉट पे आप कलर कर रहे हैं तो उस पर वाइट पेंट ज़रूर कलर करें। अगर आप प्लास्टिक पॉट पे कलर कर रहे हैं तो उस पर आप प्राइमर लगाएं, और अगर ऐसे ही पॉट मिट्टी का है या सीमेंट का है तो उस पर वाइट कलर का पेंट पहले करें, इससे आपका दूसरा कलर जो करेंगे वो बहुत अच्छे से खिल के आएगा। तो सबसे पहले हम अपने पूरे पॉट पे वाइट कलर से पेंट कर लेंगे। पूरे पॉट पे कलर कर देने के बाद इसको हम एक दिन के लिए सूखने के लिए रख देंगे, और आप देख सकते हैं इसको हमने कल पेंट किया था और अभी ये बढ़िया से सूख चुका है। अब आप सूखने के बाद इस पर कोई भी कलर कर सकते हो। फिलहाल मुझे पिंक कलर करना है, तो मैंने लिया है ये वही पेंट है जो मैं इस पर लगाई थी, और इसको हम एक छोटे से पॉट में निकाल रहे हैं। आप प्लांट के अकॉर्डिंग निकालिएगा, अगर आपका प्लांट बड़ा है तो थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा, अगर छोटा सा है तो कम लीजिएगा, वैसे नहीं तो ख़राब होगा, सूख जाएगा। और इसमें हमने लिया है थोड़ा सा रेड कलर। अगर आपको पिंक कलर बनाना है तो बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा रेड कलर, थोड़ा सा ही लीजिएगा तो अच्छा कलर बन के आता है, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो पूरा रेड हो जाएगा। और इसको बहुत अच्छे से मिला लेना है, और अच्छे से मिलाने के बाद इसको हम पूरे पॉट पे हल्के हाथों से लगा देंगे।
आप देख सकते हैं ये पूरा अच्छे से कलर हो चुका है और ये सूख भी चुका है। इसको एक दिन के लिए हम सूखने के लिए रख दिए थे और अभी अच्छे से सूख चुका है। आप चाहो तो पॉट को ऐसे ही रहने दो, तब भी अच्छा लगेगा। और अगर आप चाहो तो इस पर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, कोई भी पक्षी या कोई भी फ्लावर, कुछ भी अगर आपको जो भी पसंद है आप इस पर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। तो फिलहाल मैं बनाऊंगी इस पर तितली। आप जो भी डिज़ाइन बनाएं सबसे पहले आप पेंसिल से बना लें, नहीं तो डायरेक्ट अगर आप पेंट से बनाएंगे तो वो इधर उधर ज़रा सा भी फैल जाएगा तो फिर ख़राब हो जाएगा और फिर से आपको वाइट पेंट करना पड़ेगा और जो भी कलर का मटका होगा वो कलर करना पड़ेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले आप उस पर पेंसिल से निशान ज़रूर बना लें। और ये रहा फाइनल रिजल्ट। मटके पे कलर होके तैयार हो चुका है और इस पे हमने बनाई है एक छोटी सी तितली। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि और भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।